आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप भी जाति मूल के टोकन काटने के बाद दोबारा से डाउनलोड एंड प्रिंट करना चाहते हो तो आप किस तरीके से कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, पूरा का पूरा आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा। तो उसके लिए बस वीडियो के साथ, उससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सर के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना ईमित्र लॉगिन कर लेना। ईमित्र लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आपको आ जाना सर्विसेज, इस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद में यहाँ पर सर्विस वर्क फ्लो फॉर एप्लीकेशन सर्विसेज असेंबली, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऐसा डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस तरीके से ये डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना का यहाँ पर आपको डेट आपको चूज कर लेनी। जैसे मैं यहाँ पर डेट यहाँ पर चूज कर लेता हूँ, आपको भी यहाँ पर अच्छे से आपको डेट आपको चूज कर लेनी है। इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पर डेट यहाँ पर चूज कर लेता हूँ, आपको भी यहाँ पर डेट चूज कर लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पर डेट चूज कर ली, उसके बाद में आज की डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में फेच आपको इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, जो भी आपने अपने मित्र से जाति मूल चंडा रखे आपको सारे के सारे यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपको यहाँ पर दोबारा से प्रिंट यहाँ पर जाति या मूल का प्रिंट करना दोबारा से, तो आप किस तरीके से बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। आपका 1 रुपया भी टोकन का नहीं कटेगा। तो पूरा का पूरा आपको कंप्लीट बताऊंगा। तो उसके लिए आपको करना का, जैसे मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से देख लीजिए, मैंने इसका यहाँ पर टोकन पहले से काट दिया इस कैंडिडेट का। उसके बाद में यहाँ पर ये टोकन नंबर इसके और यहाँ पर ये अप्रूव हो चुका, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसका यहाँ पर टोकन काट दिया। जैसे अगर आप इसको दोबारा से आपके यहाँ पर पीसी में से अगर डिलीट होगा, दोबारा से आप प्रिंट करना चाहते हो, तो आपका 20 रुपये टोकन नहीं कटेगा। आप बिल्कुल फिर में कैसे इसको डाउनलोड एंड प्रिंट करोगे, उसके लिए आपको करना का यहाँ पर इसको आपको कॉपी, आपको ट्रांजेक्शन नंबर को यहाँ पर कॉपी आपको कर लेना। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको वापिस से मित्रा के डैशबोर्ड पर आ जाना। आने के बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यूटिलिटी टाइप सर्विस, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका यहाँ पर 20 रुपये का यहाँ पर टोकन कटने वाला है। जैसे यहाँ पर आप इस तरीके से करते हो प्रिंट, यहाँ पर इस तरीके से प्रिंट डिजिटल, जैसे आप लिखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है प्रिंट डिजिटल साइन सर्टिफिकेट सिंबल, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ऐसा डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको टोकन नंबर आपको डाल देना। उसके बाद में यहाँ पर आपको प्रिंट टाइप, इस पर आपको क्लिक कर देना। ए4 साइज आपको चूज आपको कर लेना। उसके बाद में गेट बिल डिटेल सिंपली, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसकी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में एड बिल फॉर पेमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना। अब इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 20 रुपये का आपको चार्ज पे करना रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए पेबल अमाउंट, यहाँ पर देख लीजिए ये 20 रुपये का आपको चार्ज आपको देना होगा, नहीं तो यहाँ पर ही प्रिंट नहीं होगा। तो मैंने इसका यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर 20 रुपये का पर टोकन काट दिया, और यहाँ पर गलती से आपके भी अगर पीसी में से ये डिलीट हो जाता तो आप दोबारा से इसको फ्री में कैसे डाउनलोड करोगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर इस तरीके से आपको जाना डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर आने के बाद में यहाँ पर दोबारा से आपको यूटिलिटी टाइप सर्विस, इस पर आपको क्लिक कर देना। बहुत से दोस्तों को पता भी होगा, लेकिन बहुत से दोस्तों को यहाँ पर पता नहीं है, तो मैं यहाँ पर पूरा का पूरा आपको बता रहा हूँ। आप इस तरीके से बिल्कुल फ्री में यहाँ पर इसको प्रिंटेड डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको करना का, यहाँ पर आपको रीप्रिंट इस तरीके से आपको लिख देना। रीप्रिंट, जैसे आप यहाँ पर रीप्रिंट लिखोगे तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, देख लिए रीप्रिंट डिजिटल साइंस सर्टिफिकेट, पुनः प्रिंट डिजिटल सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र, आपको इस तरीके से लिख देना। उसके बाद में आपको इस पर क्लिक कर देना, पुनः प्रिंट डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको वही टोकन नंबर आपको डाल देना। जैसे मैं यहाँ पर वापस से इसको पेस्ट यहाँ पर कर देता हूँ, वही टोकन नंबर आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद में प्रिंट टाइप यहाँ पर ये देख लीजिए सेलेक्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना, और यहाँ पर A4 साइज यहाँ पर आपको सेलेक्ट आपको कर लेनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर गेट बिल डिटेल, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे अपने यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग रहा। इस तरीके से आपका पर आपको गेट बिल डिटेल, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसकी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे आपको थोड़ा सा आपको वेट कर लेना, इस तरीके से यहाँ पर इसकी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देख लिए वही नाम यहाँ पर इस तरीके से आ गया। उसके बाद में आपको करना क्या, एड बिल फॉर पेमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद में यहाँ पर देख लिए अब आपका यहाँ पर पेमेंट नहीं कटने वाला, और आपका यहाँ पर जो भी यहाँ पर जाती है यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर ही डाउनलोड होगा। तो इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देख लिए पेबल अमाउंट यहाँ पर 0 रुपये, और यहाँ पर टोटल अमाउंट यहाँ पर 0 रुपये यहाँ पर देख लीजिए। अब आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर बिल पे, इस पर आपको क्लिक कर देना।
इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपको डाल देना, उसके बाद में कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना। जैसे मैं मोबाइल नंबर डालकर और कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ, जैसे मैंने मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया, उसके बाद में आपको इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दिया टोटल अमाउंट, यहाँ पर 0 रुपये, उसके बाद में पे बाय वॉलेट, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका पर पेमेंट कट जाएगा, यहाँ पर 0 रुपये, आपको कुछ भी यहाँ पर 20 रुपये का चार्ज नहीं लगने वाला। उसके बाद में आपका यहाँ पर देख लीजिए प्रिंट योर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। क्लिक कर इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने ये जाति प्रमाण पत्र आपका बिल्कुल फ्री में यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। सारा का सारा मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बता दिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को। धन्यवाद।